मेडिकल सेंटर मध्य भारत का सबसे बड़ा 170 बिस्तरों से सुसज्जित विश्व स्तरीय कैंसर हॉस्पिटल है, जो एक वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा संचालित किया जा रहा है। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, बालको मेडिकल सेंटर का वैन जो कि मोबाइल डिटेक्शन कैंसर वैन यहाँ कांटावा जी पहुँच चुका है। सभा के अध्यक्ष सुरेश भैया और सचिव संजय भैया से भी निवेदन है, कृपया वे भी आकर मंच पर स्थानांतरण करें। वंदन अभिनंदन। आज अग्रवाल सभा कटावा जी एवं बालको हॉस्पिटल रायपुर, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य केंद्र का हम कह सकते हैं, दोनों के सम्मिलित प्रयास से कैंसर जांच शिविर का एक आयोजन, निःशुल्क आयोजन कटावा जी में किया जा रहा है। दोस्तों, जहां तक मैं जानता हूं, आज भी घरों में जब कैंसर की बात आती है तो लोग प्रायः बहुत से घरों में एक बुरी बीमारी बोलते हैं, कैंसर का नाम लेने मात्र से भी डरते हैं, पर विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि अगर इनिशियल स्टेज में इसके सिम्टम्स और इसके जो भी चीजें हैं जो आपको डॉक्टर बता सकते हैं उसे ध्यान दिया जाए तो इस बीमारी से लड़ा जा सकता है, बचा जा सकता है। मैं पूरी बालको टीम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जिन्होंने कल टिटलागढ़ में एक शिविर किया और आज काटामांझी में शिविर के लिए अपनी निःशुल्क सेवाएं देने उपस्थित हैं। डॉक्टर की टीम तो शाम को ही आ गई थी, पूरी बस जिसमें नई तकनीकों से जांच की व्यवस्था की गई है वह बस हमारे सामने खड़ी है। तो निस्संदेह शिविर से बहुत बहुत लाभ मिलेगा अंचल के लोगों को, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। स्वागत उद्बोधन से पहले मैं सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर इस मंच पर स्वागत करना चाहता हूं। सुभाष भैया से निवेदन, हमारे विधायक महोदय का मंच पर स्वागत करें, जोरदार तालियों से हम अतिथियों का स्वागत करें। विनोद भैया से निवेदन कि वे हमारे सम्मानित अतिथि सुनील भाई का पुष्पगुच्छ देकर इस मंच पर स्वागत करें। आशीष भाई से निवेदन, डॉक्टर भूमिका मैम से मेरा निवेदन है, कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां भूमिका मैम के लिए। चरणों में कोटि कोटि नमन।
रायपुर से निःशुल्क सेवा देने के लिए आई बालकोट टीम को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मंचासीन मुख्य अतिथि श्रीमान संतोष सिंह जी सलूजा, सम्मानित अतिथि सुनील कुमार जी अग्रवाल, मंचासीन साथियों, आदरणीय ट्रस्टी एवं कलाकारगण तथा उपस्थित सभी नगरवासियों को आज के इस मेडिकल कैंप में स्वागत करते हैं। अग्रवाल दवा कांटामन जी हमेशा से आम जनता की जरूरत के मुताबिक सेवा कार्य करती आई है। इसी कड़ी में हमने आज इस कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया है। आज का यह शिविर बालकोट में लिवर सेंटर नया रायपुर के सहयोग से आयोजित किया गया है। टेस्टिंग की जाएगी और उपचार की भी जानकारी दी जाएगी। आशा करते हैं कि इस शिविर से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचने का इलाज सभी मरीज पा सकेंगे। कैंप बहुत बड़ा, अच्छा है, बहुत सुंदर है और जो कंपनी भी आई है आप ही लोग की कंपनी है, अग्रवाल कंपनी है। इससे भविष्य के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं आए, प्रिवेंटिव स्टेप लेके आप छोटी मोटी दवाई देके आप स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम से फ़ायदा ये होगा कि लोगों के मन में कैंसर को लेकर के जो भय है वो भय किस तरीके से दूर किया जा सके। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य यही है और आज कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं रही है। इस साइंस बहुत तरक्की कर चुका है और कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि भी इसको अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए। इसके सिम्टम्स किस तरह से अपने समझ पाएंगे कि भी हमें कैंसर होने की संभावना है, उस संभावना के समय पर ही अगर हम इसकी जांच करवा लें तो कैंसर एक बहुत ही मामूली बीमारी है। और उसी उद्देश्य से ये कैंप कराया गया है। अग्रवाल सभा को बहुत बहुत धन्यवाद है और मैं चाहूँगा कि भी अंचल के, इस अंचल के जितने भी लोग हैं सब इसका बहुत बहुत लाभ उठाएँ और कैंसर से लड़ने में अपनी अपनी जो है अपनी हिम्मत से जो है कैंसर की लड़ाई को जीते। मैं सुरेश कुमार आर्य, अग्रवाल सभा ट्रस्ट का अध्यक्ष। आज कैंसर का कैंप लगाया गया है। ऑल ओवर इंडिया में इसका कैंप लगता है। यहाँ पिछड़ा एरिया होने की वजह से यहाँ किसी को जानकारी नहीं थी, तो कैंप लगाने से जो बाहर के लोग आ के चेक करवा रहे हैं प्लस उनको ये मालूम पड़ेगी कि हमको क्या तकलीफ है क्या नहीं है। तो ये निःशुल्क बालकों वालों की तरफ से और हम अग्रवाल सभा की तरफ से मिल के हम लोग ये कैंप लगाए हैं और इससे जिससे कि लोगों को कुछ फ़ायदा मिल सके। पेट या श्री संतोष सिंह जी सलोजा थे, यहाँ के विधायक जो हैं, और सम्मानित अतिथि के हिसाब से सुनील कुमार जी अग्रवाल रायपुर समाज सेवी हो रहे हैं। उन लोग का दोनों का सहयोग पूर्ण रूप से हमको मिला और हम इस काम को आगे का सफल बना रहे हैं। मैं डॉक्टर भूपेन
बालको मेडिकल सेंटर नया रायपुर से आ रहा हूँ। हम यहाँ पे एक कैंसर स्क्रीनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम सब मरीजों को, जो भी पुरुष हैं जिनका तंबाकू खा रहे हैं या जो भी मुंह में कोई घाव है उसको देख रहे हैं, फिर उनके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। दूसरा है कि जो भी महिला हैं 40 साल के ऊपर हैं उनका हम मैमोग्राफी है, हमारा बहन आया है वहाँ पे हम मैमोग्राफी कर रहे हैं। उसके बाद उनका जो रिपोर्ट है 7 दिन के अंदर आता है, उसके बाद हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनका नंबर वगैरह रखे हैं। जिसका हम डाउट कर रहे हैं कि कैंसर हो सकता है तो हम उनको फ़ोन नंबर करके बुलाएंगे, हम उनको फ़ोन नंबर करके बुलाते हैं और हॉस्पिटल में आके बाकी के आगे के लिए जो टेस्ट वगैरह होता है उसको करवाते हैं। दूसरा है कि हमारे हॉस्पिटल में सब प्रकार के कैंसर का इलाज करने के लिए आयोजन है और मरीज जो आते हैं दूर इलाके से उनके रहने का खाने का सबका हम देखभाल करते हैं। बाकी आगे का हम कोशिश, हमारा आपके निवेदन है कि जितने तादाद पे आएंगे उतना हम उनको सर्व कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं, स्क्रीनिंग करके आए ताकि कैंसर हम शुरुआती स्टेज में तो पहले या जितना जल्दी शुरुआती स्टेज में हम देख के उसका इलाज हम कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं बालको मेडिकल सेंटर जो कि मोबाइल डिटेक्शन वैन हमारे कांडावन जी पहुँच चुका है, आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको बताना चाहूंगा, मैं दिनेश अग्रवाल आज आपके सामने हूं। इस कैंसर वैन के अंदर आज हम देखना चाहेंगे यहां क्या क्या इक्विपमेंट्स है और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है जो हमारे कैंसर रोगी को ट्रीटमेंट करके हमें पता चलता है कि उसे क्या सुविधा है और क्या सुविधा है। यहां कैंसर की जांच की जाती है और हमें मालूम चलता है कि उस पेशेंट को क्या बीमारी है और किस बीमारी से वो जूझ रहे हैं। हमारे कांटावन जी में ये पहली बार बालको मेडिकल सेंटर से ये आई हुई बहन जो कि हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक है, तो दोस्तों आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आज कांटावन जी में अग्रवाल सभागार ट्रस्ट की तरफ से निशुल्क कैंसर शिविर कैंप करा जा रहा है। इस शिविर में बालको जो रायपुर से मेडिकल है उनका पूरा सहयोग रहा है, उनकी एक कैंसर वैन भी यहाँ आई है। इस वैन में डॉक्टर के साथ टीम भी आई है, इसमें लेडीज डॉक्टर जेंट्स डॉक्टर दोनों ही उपलब्ध, और साथ ही आप यहां देख सकते हैं जो पेशेंट को डॉक्टर देखने के बाद उनको कुछ भी डाउट रहता है तो उस वैन में भेजा जाता है, उनकी पूरी चेकअप होती है मेमोग्राफी के साथ। जो भी लेडीज लोगों का जांच करनी है उनके लिए अलग से टीम बनी है, जेंट्स के लिए अलग टीम बनी है और पूरा जांच हो जा रही है। और डॉक्टर का कंसल्टेंसी के हिसाब से जो डॉक्टर बता रहे हैं कि किसी को पहले स्टेज में रहे, दूसरे स्टेज में रहे या कैंसर का डाउट रहे तो अपना डाउट यहाँ क्लियर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी सुविधा है। ये कांटावन जी एक रूरल एरिया है, यहाँ बहुत देहात गांव अंचल जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े मेडिकल नहीं है, पर ये जो सेवा दी जा रही है ये बड़े जगहों में जो सेवा मिलती है वही सेवा यहाँ मिल रही है। और अग्रवाल सभा ट्रस्ट जो यहाँ पे ये शिविर आयोजन करी है हम उसको धन्यवाद देते हैं। साथ ही हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि देहात गांव रूरल एरिया से बहुत 50 से ऊपर पेशेंट मैं देख चुका हूँ जो यहाँ पे आके अपना चेकअप करा रहे हैं। और मेरे आँख के सामने मैंने देखा बहुत गरीब से गरीब लोग, वृद्धा लोग, बड़े बुजुर्ग लोग, साथ ही जेंट्स लोग सब यार के हैं, चेकअप करा रहे हैं, अपना जांच करवा रहे हैं। और ये वैन को देख के मैं अंदर से खुद विजिट करके आए हम देख के आए उस वैन को, बहुत ही अच्छी वैन है। जो सुविधा कैंसर की जांच के लिए लगी जाती है, जो ट्रीटमेंट होती है, जो जांच के लिए मशीनरी होती है, सारी मशीनरी इसी वैन में उपलब्ध है। और यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी में उनका ओरल चेकअप करा जा रहा है, उसके बाद उनको मेमोग्राफी लग रही है तो मेमोग्राफी दी जा रही है। सीनियर लेडीज जेंट्स सबकी यहाँ पे ट्रीटमेंट करी। धन्यवाद। संजय जी, इसमें आपके कहना चाहेंगे? ये शिविर इसलिए लगाया गया है कि कोई भी अभी बीमारी ना इलाज नहीं हुई है, कि कैंसर भी का इलाज भी होने लगा है। और मैं यही बोलूँगा कि जिसको डाउट लगे वो आके अपना यहाँ शिविर में जांच करवाएं। भीतर ले जाओ, आप बता सकते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या सुविधा मिलती है? यहाँ पे हमें जैसे ओरल कैंसर के लिए ब्रेस्ट साइटोलॉजी, सर्विक्स कैंसर के लिए पैप स्मियर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी, और जैसे 30 साल से नीचे वाले कोई हैं जिनका हम मेमोग्राफी नहीं कर सकते, 40 साल से के वो ही करते हैं, तो यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग। आगे थोड़ा दिखाना चाहेंगे क्या क्या मशीनरी यहाँ अवेलेबल है?
मैमोग्राफी मशीन जी, जिसे हम ब्रेस्ट में जो गठान रहता है उसका स्कैन करते हैं। थैंक यू। मध्य भारत का सबसे पहला सबसे बड़ा 170 बिस्तरों का कैंसर हॉस्पिटल है, जहां कैंसर का संपूर्ण इलाज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। बालको मेडिकल सेंटर की चेयरपर्सन श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने वेदांता फाउंडेशन के कोर वैल्यूज कंपेशन केयर क्योर पे जोर देते हुए बताया कि हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैंसर के लक्षणों के प्रति जागरूक कराएं और कैंसर मुक्त समाज बनाने में सहायता करें।